एसबीएस न्यूज सच का साथी। नमस्कार, एबीपीएस न्यूज में आपका स्वागत है और इस समय हम खड़े हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर अखिल भारतीय प्रधान संगठन का धरना आज 82वें दिन भी जारी है। और इस धरने में आज आए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय जी, जिनसे हम जानेंगे कि अब तक सरकार उनके धरने के विषय में क्या सोच रही है, क्या उनसे किसी ने वार्ता की या सरकार की तरफ से ऐसा कोई बुलावा आया है कि संगठन की मांगों पर सरकार विचार कर रही हो। उपाध्याय जी, इस समय सरकार आपकी मांगों पर किस तरह से विचार कर रही है या आपको वार्ता के लिए बुलाया? देखिए, हम 24 सितंबर 2018 से हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त जिले के जो 75 जिले हैं और 75 जिले से हमारे ग्राम प्रधान साथी जो है यहाँ धरना स्थल पाए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामसेवक यादव जी के नेतृत्व में यह धरना जो है अनिश्चितकालीन चल रहा है। लेकिन अब तक एक दो बार जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुछ करिंदे आए थे, वो बुलाए जो है, लेकिन वो बात करने के बजाय ये कह रहे हैं जो मटने का आपका प्रधान साथी चोरी कर रहा है, इसको रोकिए। आप बताइए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अपने प्रधानों को चोर शब्द कैसे सुन सकते हैं? हमारे बताइए प्रदेश का मुखिया महाराज जी जो है कह रहे हैं कि आपका प्रधान चोर है, पहले अपने प्रधानों को समझाइए। वो हमारे बातों को सुनने के बजाय हमारे प्रधानों को चोर साबित करने पर लगे हुए हैं। मेन मांग जो है वो क्या है आप? हमारी मांग है कि हमें पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिया जाए, हमारी हमें वो तमाम अधिकार मुझे दिए जाएँ जो वर्षों पूर्व हम प्रधानों को मिल जाने चाहिए। वो 29 अधिकार मुझे तत्काल जो मट्ट सरकार दे, जो मुझे वर्षों पहले मिलने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं दिया गया है। अब धरना कब तक जारी रखेंगे आप? ये 2019 का चुनाव आ रहा है, कुछ दिन बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। अभी तो ये 5 राज्यों का जो चुनाव आया है, वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ की जनता ने, वहाँ की नवयुवकों ने, वहाँ के पंचायत प्रतिनिधियों ने भारी तादाद में उनके खिलाफ वोट देने का काम किया है। अगर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और हमारे मोदी जी की सरकार अगर हम प्रधानों के पंचायतों को अधिकार नहीं देती है, तो होने वाले लोकसभा के चुनाव में इन्हें शायद विपक्ष में भी बैठने के लायक नहीं छोड़ेगी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी। आप 82 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी बात सुनेगी? देखिए, सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी ये सरकार का काम है। हमारा जो काम है, लोकतंत्र में जो व्यवस्था दी गई है, हमारा जो काम है, हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। सुनना न सुनना, देना न देना सरकार का काम है, सरकार की मर्जी है, सरकार देगी कि नहीं देगी। हम मांग रहे हैं, याचक हैं, याचिका कर रहे हैं और तमाम अभी तक मांगे थी, अब तमाम मांगे न मांग करके अब तो हम एक ही मांग मांग रहे हैं कि हमारी जो संविधान ने व्यवस्था दी है, केवल पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दो, 29 विभाग दे दो, गणराज्य का दर्जा दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। केवल एक ही मांग है, अभी तक तो बहुत मांगे मांगते थे, लेकिन अब एक ही मांग रहे हैं कि हमें जो संविधान ने व्यवस्था दी है 1992-93 में 73वां संविधान संशोधन के तहत, उसको पूरी तरह से लागू कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम हमें लागू कर दोगे तो हम भी तुम्हें 2019 में गुल खिला देंगे, और अगर नहीं लागू करोगे तो तुम्हारा हश्र जो अन्य राज्यों में हुआ है उससे कहीं पुअर स्थिति में जाएंगे। और जो स्थिति विपक्ष की थी 2014 में, वो स्थिति इनकी 7-8 से ज़्यादा सीटें नहीं पाएंगे, 7-8 पर सिकुड़ करके रह जाएंगे। पहले भी आपका धरना हुआ था दिल्ली में, इन्हीं के मंत्री आए थे और इन्होंने आपको आश्वस्त किया था कि यूपी में सरकार बनवा दो, उसके बाद में आपकी मांगें मान लेंगे, तो क्या आप इन पे अब भी भरोसा कर रहे हैं? 24 दिसंबर 2016 को तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 3-3 कैबिनेट मंत्री आए थे। उन मंत्रियों ने कहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है, उसमें रामकृपाल यादव ग्राम विकास मंत्री, रूपाला पंचायत राज मंत्री, रामदास अठावले और विपक्ष की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी सिंह, इन लोगों ने कहा था कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में आज सरकार होती तो आज ही हम पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से लागू करा देते, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनवा दो, हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही पंचायती राज व्यवस्था लागू करा देंगे। लेकिन वादा खिलाफी कर रहे हैं, वादा खिलाफी इनको किसी भी कीमत में फ़ायदेमंद नहीं होगा। अगर वादा खिलाफी करेंगे तो 70 साल के इतिहास में अभी तक तो हम चुप थे, विभिन्न दलों में पार्टियों में बटे हुए थे,
अब हम भी बिरादरी बात कर रहे हैं। 70 सालों में लोकसभा में एक बिरादरी थी माननीय सांसद जी, विधानसभा में एक बिरादरी थी माननीय विधायक जी, असली बिरादरी बात अब हम भी करने जा रहे हैं। हमारी भी एक बिरादरी है माननीय ग्राम प्रधान जी। तो ये थे अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी, जिन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है, क्योंकि 2016 में जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानों के साथ किया था उसे उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद भी पूरा नहीं किया गया। अपने सहयोगी रमाकांत के साथ अजय प्रताप सिंह, ABPS न्यूज़, लखनऊ।